अजमेर शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के डिग्गी बाजार इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक ही दुकान में तीसरी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 30 से 35 हजार के कपड़े लेकर फरार हो गए। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई है। पीड़ित दुकानदार घनश्याम जामनानी ने बताया कि एक साल के भीतर दुकान में शटर को ऊंचा कर तीसरी बार वारदात को अंजाम दिया गया है। अब तक चोरों का पता पुलिस नहीं लगा पाई है। ऐसे में पुलिस की गश्त और कानून व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। पीड़ित ने इस मामले में जल्द मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही की मांग की है। सर, हमारी झूला मोहल्ला डिगी बाजार एरिया सदर कोतवाली थाने के अंदर ये शॉप पड़ती है चॉइस गारमेंट के नाम से। मेरा नाम घनश्याम जामनानी है और साल भर में ये मेरी तीसरी चोरी यहाँ पे हुई है और उन्होंने सरिये डाल के ही यहाँ से जंबो की जंबो थैलियाँ निकाली है। करीब 30 से 35 हज़ार के सामान आज भी चुरा के ले गए हैं और कंटिन्यू ये तीसरी वारदात है। और इससे पहले भी मैं थाने में मतलब सूचित कर चुका हूँ, जो अभी तक उनके यहाँ से तो कोई मतलब प्रबंधक पूछने नहीं आए। शिकायत करी पुलिस को? जी हाँ, आज सुबह मॉर्निंग में मैंने शिकायत करी है ये सदर कोतवाली थाने में। सीसीटीवी लगेंगे आपके आसपास? नहीं, आसपास लगे हुए हैं लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग मतलब कैच नहीं हो पाई है। तो क्या मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो? हाँ, कितने लगभग सामान? लगभग सामान हमारा 30 से 35 हज़ार आज का चोरी हुआ है। इससे पहले भी मेरा करीब 35 से 40 हज़ार की चोरी हुई थी। नहीं, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे मतलब जब पहले ये हुई थी वारदात तब मैंने FIR भी दर्ज करवाई थी, कंप्लेंट लिखवाई थी मैंने पहले। हाँ, मौका मुआयना करने आई? नहीं, अभी तक कोई मौका मुआयना पुलिस नहीं करने आई। जी शिकायत? हाँ, शिकायत हमने मॉर्निंग में कर दी थी। नहीं, यहाँ पे कोई गश्त नहीं है इस एरिया में। आपका परिचय? मेरा नाम घनश्याम जामनानी। यहाँ क्षेत्र में आए दिन चोरियाँ हो रही है, पुलिस की तरफ से हमें कोई प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ना तो कोई गश्त हो रही। कम से कम मैं देख रहा हूँ इस साल डेढ़ साल के अंदर 7-8 चोरियाँ हो चुकी है, लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो किसी का माल बरामद हुआ है और अभी भी आज वही हुआ है जो मतलब पहले होता आ रहा है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं है कि भाई माल में या कुछ चोर पकड़ा जाए या गश्त मिले या पुलिस की तरफ से कोई रात को एक दो राउंड हो जाए, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होना। आज भी चोरी हुई 35-40 हज़ार रुपये की। सनी गारमेंट के मालिक मेरे साथ खड़े हैं, घनश्याम जी जामनानी, पर आज भी देखे हमने सुबह पुलिस को कंप्लेंट तो की है, उन्होंने काम थोड़ी देर में आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। मेरा नाम मनोज कुमार। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।